नेता राम टंडन ने कहा है कि जिस तरह से आज हमारे नेता राहुल गांधी जी की रैली में रायबरेली की जनता ने अपनी ताकत का एहसास कराया है, ठीक उसी तरह इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान में भी जनता राहुल गांधी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय बनाकर लोकसभा तक पहुंचाने का काम करेगी। पिछली बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी को जितने मत रायबरेली की जनता ने देकर लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया था, इस बार उससे अधिक मतों से हमारे नेता राहुल गांधी जी को जिताकर पूरे भारत देश में रायबरेली की जनता रिकॉर्ड कायम करेगी। आज तक कांग्रेस के लोगों ने चुनाव लड़ा है, वर्तमान समय में राहुल जी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जान चुकी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर, जिस तरीके से लोगों को उन्होंने बरगलाया, चाहे वो 15 लाख रुपए देने का वायदा किया हो, चाहे रोजगार देने का मामला हो, आर्थिक तंगी से जिस तरीके से लोग इस देश के गुजरे हैं, नोटबंदी का विषय रहा हो, आज जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी से देश की जनता को गुमराह करती आई है। अब 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, कल 4th चरण का चुनाव होने जा रहा है। देश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार महिलाओं पर, इन मुद्दों पर बात करना चाहती है जनता। इन मुद्दों पर जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न कर रही है। गठबंधन के प्रत्याशियों को जो सहयोग, जो आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, उसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। माननीय प्रधानमंत्री के जिस तरीके से वक्तव्य आ रहे हैं, वो जनता के बीच में जनता सब समझ चुकी है। आज मैं समझता हूं कि जिस तरीके से रायबरेली के अंदर जनता ने सड़कों पर आकर के रोड शो को दिखाया है, तो मेरा तो मानना है कि आने वाले समय में रायबरेली की जनता ने मन बना लिया है और राहुल जी चुनाव जीत करके निकलेंगे वहां से। अगर बात करें लास्ट चुनाव की यानी वाराणसी की, तो उस पर क्या कहेंगे कि अब तक तो गठबंधन ने कांग्रेस के प्रत्याशी को घोषित किया, लेकिन ऐन मौके पर अगर प्रियंका जी मोदी जी के सामने आए तो क्या इसका परिणाम रहेगा? अभी इस विषय में बात करना बड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि कल नामांकन जब दाखिल होगा तो उससे पहले देखते हैं कांग्रेस अपना क्या स्टेप लेती है। ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है कि वो किस तरीके से अपनी बिसात बिछा करके वाराणसी की जनता को अपने सहयोग में लेने का प्रयास करेगी। रायबरेली की सीट हमेशा से कांग्रेस की रही है, गांधी परिवार की रही है, तो इस बार क्या लगता है कि कितने वोटों से रायबरेली की जनता राहुल जी को अपना प्यार उपलब्ध कराएगी? मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वहां की जनता ने तो मैं समझता हूँ रोड शो के माध्यम से ही तय कर दिया कि वो किस तरीके से राहुल जी को चुनाव में विजयी बनाने जा रही है। प्रियंका जी की अगर बात करें तो अमेठी और रायबरेली में वो इस तरह से लगी पड़ी है जैसे कि भगवान श्री राम और हनुमान जी की जोड़ी, क्या कहेंगे इस पर? प्रियंका जी हमेशा से जब से उन्होंने राजनीति के अंदर नहीं आने से पहले भी अपनी माता अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार में जाती रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो हमारे
वहां के शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और रायबरेली से राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी कैंपेनिंग के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है और जिस तरीके से कमर कस करके वो चुनाव प्रचार में लगी है, तो इसका रिजल्ट भी जल्दी निकल करके आएगा। किस तरह का रिजल्ट आएगा इस बार प्रियंका जी के चुनाव प्रचार करने से? तो मैं समझता हूँ कि वहां की जनता तय कर चुकी है और गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर राहुल जी जिस तरीके से चुनाव मैदान में है और जनता जिस तरीके से उनको सहयोग कर रही है, तो अब आगे कुछ कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। कितने वोटों से जीतेंगे, किस तरीके का वहां का माहौल होगा, तो ये तो जनता ने तय मन बना लिया है कि राहुल जी को विजयी बनाना है। ठीक।